हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द एग्जाम क्रेकर में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम करेंगे ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। कक्षा 4 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक के अध्याय में उल्लेखित परियोजना गर्ल स्टार किसके संबंध में है? पहला ऑप्शन है दूसरों का जीवन बचाने वाली बहादुर लड़कियों के बारे में, दूसरा है खेल के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ने वाली लड़कियों के बारे में, तीसरा है विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कार करने वाली लड़कियों के बारे में, और चौथा है प्रतिकूल परिस्थितियों में पढ़ने और अपना जीवन बदल डालने वाली साधारण लड़कियों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रतिकूल परिस्थितियों में पढ़ने और अपना जीवन बदल डालने वाली साधारण लड़कियों के बारे में। नेक्स्ट है रानी चींटी का काम है, पहला ऑप्शन है अपने घर की देखभाल करना, दूसरा है अपने घर की पहरेदारी करना, तीसरा है भोजन तलाशना, और चौथा अंडे देना। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आप दस्त और उल्टी से पीड़ित अपने दोस्त की किस प्रकार सहायता करेंगे? पहला ऑप्शन है उसे आराम करने और बाहर न जाने के लिए कहकर, दूसरा है उसे दर्द से राहत देने वाली दवाएं लेने के लिए कहकर, तीसरा है टीकाकरण के लिए उसे अस्पताल ले जाकर, चौथा है उसे समय समय पर तरल पदार्थ देकर। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है राजस्थान के जोधपुर के निकट खेजड़ी गांव में पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी ने बलि चढ़ा दी। पहला ऑप्शन है अपने जीवन की, दूसरा है अपने भूमि की, तीसरा है अपने घर की, और चौथा है अपने रुपए पैसे की। तो क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अपने जीवन की। नेक्स्ट है खेजड़ी पेड़ पाया जाता है, पहला ऑप्शन है गर्म और आर्द्र दशाओं में, दूसरा है ठंडी और शुष्क दशाओं में, तीसरा है गर्म और शुष्क दशाओं में, और चौथा संतुलित दशाओं में। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गर्म और शुष्क दशाओं में। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। राहुल विटामिन डी की आवश्यकता से अधिक गोलियां लेता है, उसके चाचा जो एक चिकित्सक है उन्होंने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी क्योंकि उन्हें समस्या हो सकती है। पहला ऑप्शन है दस्त की, दूसरा है गुर्दे की पथरी की, तीसरा है मसूड़ों से रक्तस्राव की, और चौथा है हड्डियों के मुलायम होने की। तो क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गुर्दे की पथरी की। नेक्स्ट है शरीर में थायरोक्सिन की कमी संबंधित है, पहला ऑप्शन है आयरन से, दूसरा है आयोडीन से, तीसरा है पोटेशियम से, और चौथा है मैग्नीशियम से। तो क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आयोडीन से। नेक्स्ट है एक प्रशिक्षु शिक्षक प्रयोगशाला में प्रोटीन के लिए खाद्य परीक्षण प्रदर्शित करना चाहती है, ऐसा करने के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक का चुनाव करेगा? पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा है शुडान, तीसरा है फेलिंग का विलयन ए और बी, और चौथा है कॉफर सल्फेट और कास्टिक सोडा। तो क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भोजन के कौन से घटक मांसपेशियों का निर्माण करने और शरीर का द्रव्यमान बढ़ाने में सहायता करते हैं? पहला ऑप्शन है खनिज, दूसरा है विटामिन, तीसरा है प्रोटीन, और चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रोटीन। नेक्स्ट है वयस्क मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? पहला ऑप्शन है 80%, दूसरा है 60%, तीसरा है 50%, और चौथा है 30%। क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 60%। नेक्स्ट है गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है? पहला ऑप्शन है मलयालम, दूसरा है कोकनी, तीसरा है कन्नड़, और चौथा है मराठी। तो क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोकनी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केरल की पहचान है? पहला ऑप्शन है शिकारा, दूसरा है फेरी, तीसरा है अपुतियक, और चौथा है कारवात। क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राज्य यात्रा मार्ग में आएंगे यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से गुजरने से केरल तक की यात्रा करेगा? पहला ऑप्शन है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र और तेलंगाना, तीसरा है महाराष्ट्र और कर्नाटक, और चौथा है तेलंगाना और तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोवा के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है वलसाड़, दूसरा है मडगांव, तीसरा है कोझिकोड, और चौथा है गांधीधाम। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मडगांव। नेक्स्ट है बिहार में मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए अक्टूबर से दिसंबर सबसे अच्छा समय क्यों होता है? पहला ऑप्शन है इस अवधि के दौरान
फूल वाले पौधे पर्याप्त मात्रा में उगते हैं, दूसरे मधुमक्खियां इन्हीं दिनों में अपने अंडे देती हैं, तीसरा तापमान उपयुक्त होता है, और चौथा किसान मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो 75 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, मधुमक्खियां इन्हीं दिनों में अपने अंडे देती है। नेक्स्ट है, छात्रों में उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है छात्रों को अवधारणा याद करने में लगातार करने में लगाकर, दूसरा है अधिक आवधिक मूल्यांकन करके, तीसरा है सहकारी अधिगम का पालन करके, और चौथा है अधिक गृह कार्य देकर। तो क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट है, भूमिका निर्वाह गतिविधियां सहायता करती है। पहला ऑप्शन है प्रसिद्ध लोगों की भूमिकाएं सीखने में, दूसरा है छात्रों को कक्षा में संलग्न रखने की, तीसरा है अधिगम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में, और चौथा है दुनिया के महान काम करने वाले लोगों के महत्व देने में। तो क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, अधिगम में छात्रों की सक्रिय भागीदारिता सुनिश्चित करने में। नेक्स्ट है, अपने पर्यावरण में पेड़ों के महत्व के संबंध में छात्रों को जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहला ऑप्शन है पेड़ों के विभिन्न उपयोग समझाने के लिए पाठ्यपुस्तक सामग्री का उपयोग करना, दूसरा है विभिन्न उत्पादों के उदाहरण देना जो हमें पेड़ों से प्राप्त करते हैं, तीसरा है छात्रों को विभिन्न प्रकार के पेड़ों के चार्ट दिखाना, और चौथा है उन उत्पादों और सेवाओं को समझने के लिए छात्रों को बगीचे में ले जाना जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, उन उत्पादों और सेवाओं को समझने के लिए छात्रों को बगीचे में ले जाना जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों के वस्तुनिष्ठ आकलन के लिए निम्नलिखित में से किन तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है मौखिक परीक्षा, दूसरा है कार्य अनुभव गतिविधियाँ, तीसरा है निबंध प्रकार के प्रश्न, और चौथा है वैकल्पिक अनुक्रिया आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 79 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, निबंध प्रकार के प्रश्न। 80, निम्नलिखित बिंदुओं को पढ़ें, विशेषीकृत भाषा का प्रयोग करना, नए ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ना, समूह अधिगम शामिल को शामिल करना, छात्रों की सक्रिय भागीदारी और दृश्य संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना, दिए गए बिंदुओं में से कौन से ईवीएस का अध्यापन करते समय प्रासंगिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा सीसीई का मूल उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है छात्रांत मूल्यांकन का पालन करना, दूसरा है शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि शामिल करना, तीसरा है शिक्षण के लिए सबसे आसान तरीका अपनाना, और चौथा है छात्रों और उनके माता पिता के साथ साझा करने के लिए उनका सतत और औपचारिक अवलोकन शामिल करना। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि शामिल करना। नेक्स्ट है, यदि कक्षा में ईवीएस शिक्षक अक्सर जांच करने वाले तथा कल्पनाशील प्रश्न पूछती है तो वह ऐसा छात्रों का क्या बेहतर बनाना चाहती है। पहला ऑप्शन है सामाजिक कौशल, दूसरा है चिंतन कौशल, तीसरा है प्रेक्षण कौशल, और चौथा है संचार कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, चिंतन कौशल। नेक्स्ट है, किस प्रकार से एक ईवीएस शिक्षक छात्रों को वातावरण में चीजों की परस्पर निर्भरता के संबंध में समझा सकता है। पहला ऑप्शन है उनके पास विभिन्न जीवों और उसके भौतिक वातावरण के बीच आपसी संबंध के बारे में जो जानकारी है उसके आधार पर उन्हें वर्कशीट बनाने के लिए कहकर, दूसरा है शिक्षक द्वारा छात्रों को छोटी छोटी क्लिपें दिखाकर प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर निर्भरता की व्याख्या तथा उसका सार संक्षेपण करके, तीसरा है मौखिक रूप से वातावरण के विभिन्न घटकों की आपसी संबंधों की अवधारणा पर चर्चा करके, और चौथा है उन्हें कक्षा की दीवार पर लटके भोजन जाल के मॉडल का अवलोकन करने के लिए कहकर। तो क्वेश्चन नंबर 83 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, शिक्षक द्वारा छात्रों को छोटी छोटी क्लिपें दिखाकर प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर निर्भरता की व्याख्या तथा उसका सार संक्षेपण करके। नेक्स्ट है, छात्रों के अधिगम स्तर की जांच के लिए एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तकों के अध्यायों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। पहला ऑप्शन है हमने क्या सीखा है, दूसरा है सोचो और बताओ, तीसरा है चलो बनाए, और चौथा पता करो और लिखो। तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, हमने क्या सीखा है। नेक्स्ट है,
कक्षा 4 की ईवीएस पुस्तकों के अध्याय के अंत में सब्जियों की सहायता से कागज पर बुनाई और कपड़े पर मुद्रण करवाने के लिए बच्चों की सहायता मिलती है। पहला ऑप्शन है कपड़ा बनाने की सटीक प्रक्रिया जानने में, दूसरा है अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए अवसर प्राप्त करने में, तीसरा है उनके ड्राइंग कौशल में सुधार लाने में, और चौथा है मौज मस्ती का तरीका प्राप्त करने में। तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए अवसर प्राप्त करने में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें समस्या हल करने तथा चिंतन क्षमताओं के विकास में शिक्षार्थियों की सहायता करती है। पहला ऑप्शन है फ्लैश कार्ड का प्रयोग, दूसरा है मानचित्रों और ग्लोब का समावेश, तीसरा है कविताओं और कहानियों का प्रयोग, और चौथा है पहेलियों और रीडर्स का समावेश। तो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पहेलियों और रीडर्स का समावेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के आकलन के लिए परिचय सूचक नहीं है। पहला ऑप्शन है परिचर्चा, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है वर्गीकरण, और चौथा है स्मरण। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्मरण। नेक्स्ट है, कक्षा 1 और 2 में ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहला ऑप्शन है खेल के माध्यम से ईवीएस सिखाना, दूसरा है स्कूल में स्थानीय ज्ञान से संबंधित अवधारणाएं सीखना, तीसरा है भाषा और गणित के साथ ईवीएस की क्षेत्र का एकीकरण, और चौथा है सतत मूल्यांकन शामिल किए बिना सभी विषयों का शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है मुख्य रूप से समूह गतिविधियों में सीखना, दूसरा है एक अवधि में एक ही प्रकार के अध्यायों का शिक्षण, तीसरा है समन्वित तरीके से सभी विषयों का अधिगम, और चौथा है किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले छात्रों को कक्षा में बाकी छात्रों के साथ उपस्थित रहने की अनुमति देना। तो क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले छात्रों को कक्षा में बाकी छात्रों के साथ उपस्थित रहने की अनुमति देना। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का क्या रूप होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अधिकांशतः परियोजना का काम, दूसरा है नित्य औपचारिक मूल्यांकन, तीसरा है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, और चौथा है लिखित और मौखिक कार्यों में बच्चे का सतत अवलोकन करना। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लिखित और मौखिक कार्यों में बच्चे का सतत अवलोकन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।